नमस्ते, टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के 30 सवाल उनके उत्तर के सही आपको बताएंगे, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, रेलवे इत्यादि। चलो तो शुरू किए। कोरोना वायरस की वजह से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने दुनिया भर के में अपने सभी संयंत्रों को बंद कर दिया है? पर्याय ए हीरो मोटोकॉर्प, बी होंडा मोटर्स, सी हुंडई, डी मारुति सुजुकी। सही उत्तर है हीरो मोटोकॉर्प। यूरोपीय देशों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कितने लोगों को क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है? पर्याय ए 200 लोग, बी 800 लोग, सी 3200 लोग, डी 5200 लोग। सही उत्तर है सी 3200 लोग। निम्न में से आपदा प्रबंधन केंद्र ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के वेबसाइट लॉन्च की है? ए एशियन, बी सार्क, सी बाफ्टा, डी इस्टा। सही उत्तर है सार्क। हाल ही में विधानसभा में 65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। ए दिल्ली विधानसभा, बी मुंबई विधानसभा, सी कोलकाता विधानसभा, डी चेन्नई विधानसभा। सही उत्तर है ए दिल्ली विधानसभा। निम्न में से किसने हाल ही में बिना किसी पैकेज या फिर राहत के वित्त विधेयक को पारित कर दिया गया है? पर्याय ए सुप्रीम कोर्ट, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी नीति आयोग। सही उत्तर है लोकसभा सी। चौबीस मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व टीबी दिवस, बी विश्व तपेदिक दिवस, सी विश्व क्षय रोग दिवस, डी तीनों। सही उत्तर है डी तीनों। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पर्याय 44वें स्थान, बी 88वें स्थान, सी 144वें स्थान पर, डी 188वें स्थान पर। सही उत्तर है 144 स्थान पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी दे दी है? पर्याय ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। सही उत्तर है ऑप्शन बी दो।
इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड ने 3200 क्रिकेटर्स और स्टाफ मेंबर्स कोविड-19 बीमा कवर में शामिल है? ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बी भारतीय क्रिकेट बोर्ड, सी बांग्ला क्रिकेट बोर्ड, डी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। सही उत्तर है सी बांग्ला क्रिकेट बोर्ड। निम्न में से किस देश ने भारत और चीन से जुड़ी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है? सही पर्याय ए भूटान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। सी नेपाल। माही महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है और पहली बार कब आयोजित किया गया? ए उदयपुर फरवरी 2006, बी डूंगरपुर फरवरी 2007, सी बांसवाड़ा फरवरी 2008, डी राजसमंद फरवरी 2009। सही उत्तर है बांसवाड़ा फरवरी 2008। अक्टूबर माह में मीरा उत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए चित्तौड़गढ़, बी प्रतापगढ़, सी भीलवाड़ा, डी राजसमंद। सही उत्तर है ए चित्तौड़गढ़। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मार्च अप्रैल में गणगौरव महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए झुंझुनू, बी सीकर, सी अलवर, डी जयपुर। सही उत्तर है डी जयपुर। अगस्त माह में आयोजित होने वाला कजली तीज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ए कोटा, बी बूंदी, सी टोंक, डी बारा। सही उत्तर है बी बूंदी। अश्विन दशमी के आयोजित होने वाला दशहरा महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए कोटा, बी बूंदी, सी टोंक, डी बारा। सही उत्तर है ये कोटा। निम्न में असमोलित कौन सा है? ये प्याज मंडी अलवर, बी धनिया मंडी कोटा, सी अश्वगंधा मंडी झालवाड़, डी लहसुना मंडी अजमेर। सही उत्तर है लहसुन मंडी अजमेर। राजस्थान प्रदेश में अक्टूबर नवंबर माह में भरने वाला चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? पर्याय ए कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़ा, डी सवाई माधोपुरा। सही उत्तर है सी झालावाड़। राजस्थान में टमाटर मंडी कहाँ है? ए शाहपुरा जयपुर, बी बस्सी जयपुर, सी चोमू जयपुर, डी बस्सी चित्तौड़गढ़। सही उत्तर है बस्सी जयपुर। रिको द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान में 4 कृषि खाद्य पार्क कहाँ खोले गए हैं? ए जयपुर जोधपुर कोटा बीकानेर, बी बीकानेर जोधपुर पाली उदयपुर, सी जयपुर जोधपुर कोटा अलवर,
डी बीकानेर, बीकानेर जोधपुर पाली। सही उत्तर है सी जयपुर जोधपुर कोटा अलवर। पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? ए 5, बी 7, सी 9, डी 10। सही उत्तर है डी 10। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी संस्था है ए IRCTC, बी RTDC, सी RICO, डी RAJASICO। सही उत्तर है RTDC। निम्न में से किसी वर्तमान पर्यटन मंत्री नियुक्त किया गया है? ए वीरेंद्र सिंह, बी हरीश चौधरी, सी रमेश मीना, डी अंजना उदयवाला। सही उत्तर है ए विश्वेंद्र सिंह। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? ए 1969 जोधपुर, बी 1979 जयपुर, सी 1990 अजमेर, डी 1999 उदयपुर, बी 1979 जयपुर। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया और किस वर्ष में दिया गया है? ए नीरज कुमार गुप्ता समिति 1979, बी जानकी रमन समिति 1981, सी मोहम्मद यूनुस समिति 1989, डी नरसिम्हन समिति 2015। सही उत्तर है मोहम्मद यूनुस समिति 1989। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ नागरिक निशुल्क तीर्थ यात्रा कब लागू की गई? पर्याय ए जून 2018, बी जून 2019, सी जुलाई 2018, डी जुलाई 2019। सही उत्तर है बी जून 2019। समर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। सही उत्तर है जयपुर। हरित राजस्थान कार्यक्रम कब लागू किया गया है? ए 2007, बी 2008, सी 2009, डी 2019। सही उत्तर है सी 2009। राजस्थान में खुशबू वाली मेथी कहाँ प्रसिद्ध है? ए तौसर नागौर, बी शाहपुर जयपुर, सी खमनौर राजसमंद, डी भीनमाल जलोरा। सही उत्तर है तौसर नागौर ए ऑप्शन। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बी भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, सी भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, डी भारत अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। सही उत्तर है डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए और टारगेट गवर्नमेंट जॉब
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।